आज पेट्रोल अभी फिलहाल तो रिलायंस से भरते हैं, और फिर आगे अगला फुल करने वाला टैंक है ना, आगे कोई पेट्रोल पंप पे ढूंढते हैं, एचपी वगैरह भी मिलेगा अभी, क्योंकि जहाँ पे जा रहे राइड को वहाँ पे रिलायंस वगैरह तो नहीं मिलेगा। फुल कराए थे कार्ड है? हाँ तो गाइस, हमने अभी पेट्रोल फुल करा लिया है और 7.2 लीटर के आसपास पेट्रोल भरा है। तो अभी हमें ना ट्रिप बी पे सेट करते हैं, क्योंकि ट्रिप पे मेरा अलग चल रहा है थोड़ा, तो ट्रिप बी को हम जीरो कर देते हैं अभी पेट्रोल पंप पे। ये तो ये जीरो हो गया, ट्रिप बी में ना किसी मोबाइल में वीडियो निकाल तो इतना आ रहा नहीं होगा। तो ये ट्रिप बी जीरो हो चुका है, फोटो ट्रिप भी जीरो हो चुका है, फोटो ले लिया एक फोन के अंदर। टाइम 10:08 हो रहे हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं राइड के लिए, फिर उसके बाद में और आगे देखते हैं कितना भरना पड़ेगा और क्या कितना माइलेज दे रहा है गाड़ी। पूरा जेन्युइन टेस्ट करेंगे हम, टाइम के साथ में आपको बता रहा हूँ। अभी हमने फर्स्ट फ्यूल अप किया है 10:08 पर, अभी निकलते हैं यहाँ से। ट्रिप जीरो, ट्रिप सेट कर दिया जीरो पे। जो हम ये राइड करेंगे ये ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में नहीं करेंगे, इसमें लगभग 10 किलोमीटर के आसपास सिटी राइड भी होगा। और हम जब हाईवे पे इसको क्रूज़ करेंगे तो हम 80-90 के ऊपर ही क्रूज़ करेंगे, क्योंकि ये अच्छा स्पीड है हिमालयन का क्रूजिंग के लिए। तो एवरेज हम इसी स्पीड पे निकालेंगे कि कितना एवरेज मिल रहा है। तो वीडियो पूरा आखिर तक देखें तो आपको पता चलेगा कि 2021 हिमालयन जेन्युइनली कितना एवरेज दे रही है सिटी प्लस हाईवे राइड्स के अंदर। तो आप उससे सिर्फ हाईवे का अंदाज़ा लगा सकते हो और सिर्फ सिटी का लगा सकते हो। तो चलो थोड़ा आगे चल के मिलता हूँ मैं आपको फिर से। तो गाइस, अभी हम लोग नासिक तक पहुँच चुके हैं, और अगर आप किलोमीटर देख सकते हैं तो 15.4 किलोमीटर अभी तक हो चुका है। अभी टाइम हो गया 10:50 AM और किलोमीटर हो चुके हैं 27, और नासिक सिटी क्रॉस कर लिया, और अभी हम लोग हैं त्र्यंबकेश्वर रोड पे। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर 20 किलोमीटर के आसपास होगा, लेकिन हमको त्र्यंबकेश्वर तक नहीं जाना है, तो उसके पहले एक लेफ्ट टर्न लेना है जो सीधा बोटी में निकलेगा। तो बोटी से अपन NH3 के थ्रू वापस नासिक आएंगे, तो ये राउंड सर्किट हो जाएगा पूरा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं किलोमीटर हो गया है 4:41.3, और टाइम हो गया है 11:03। यहाँ पे रुका हूँ मैं, थोड़ा व्यू मस्त है, थोड़ा सोचा वो फोटो वगैरह ले लूँ, तो फोटो ले लेते यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो, फटाफट जाओ और फॉलो कर दो। फोन निकालते हैं और फटाफट ले लेते हैं फोटो। गाइस, अभी यहाँ पे आ गए, और यहाँ से सीधा जाओगे तो त्र्यंबकेश्वर है 3 किलोमीटर, और हमको यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट जाना है गोटी, गोटी जो है यहाँ से 37 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। अभी यहाँ से जो रोड वगैरह जो होने वाला है ना, वो काफ़ी मस्त होने वाला है, कर्व वगैरह और सिंगल लेन टाइप रोड है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता कर लूँ, देखते कुछ मिलता हो तो। गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं, किलोमीटर हो गया है 45, और व्यू देख लो गाइस, क्या मस्त व्यू है यार, मजा आ गया यार। बारिश में हम लोग यहाँ पे ऑफ रोड के लिए आते हैं तो इतना पूरा ग्रीनरी होता है, पूरा ग्रीनरी, और ये जो आप देख रहे हो
पहाड़, उसके ऊपर पूरा वाटरफॉल, हर जगह वाटरफॉल देखने को मिलता है। काफी मस्त व्यू है गाइस, काफी मस्त, मजा आ गया। मॉनसून में आने आने लायक जगह है ये, मॉनसून में ना काफी मस्त होता है, देखने लायक होता है सीन। छोटी ऐसे है 36 किलोमीटर, थोड़ा आगे रुक के ना फोटोज वगैरह निकलते हैं, मस्त मजा आएगा। तो गाइस किलोमीटर चेक एक बार, 52 किलोमीटर हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:54। तो मैं पीछे स्पॉट मिल गया था अच्छा, तो उधर फोटोज निकालने के लिए रुक गया था, काफी देर फोटोज निकाले, सारे फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गया। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो फटाफट जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक आ रहा होगा इंस्टाग्राम का आईडी। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट आपको हाईवे पे मिलता हूँ पेट्रोल भराने से पहले, अभी बीच में फटाफट निकल जाते हैं। खाली रास्ते ऐसे ही रास्ते सब जगह पे, तो व्यू आपको एक बार दिखा दिया है तो अभी ऐसे ही है सब कुछ, तो अभी डायरेक्ट हाईवे पे मिलेंगे। तो गाइस वी आर बैक ऑन हाईवे और अभी हम गोटी से जा रहे हैं नासिक की तरफ, और दो पेट्रोल पंप मिले लेकिन दोनों जगह पे कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है और दोनों जगह पे सिर्फ पावर ही अवेलेबल है। मुझे पावर नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो मैंने वो स्किप कर दिया। अभी आगे और कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ से भरा लेते हैं पेट्रोल। अभी किलोमीटर हुआ है 85 किलोमीटर हो गए टोटल, तो अभी और होगा यहाँ पे पाँच छः किलोमीटर के ऊपर ही पेट्रोल पंप भरेंगे, तो उधर से भरा लेते हैं, टैंक फुल कर लेते हैं और फिर मैं आपको माइलेज कितना मिल रहा है वो बताता हूँ। अभी टाइम हो गया 12:35, चलते फटाफट पेट्रोल भराते और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल पाहिजे बरं का? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने सुबह पेट्रोल फुल टैंक किया था लगभग 10 बजे और किलोमीटर रिसेट किया था जीरो पे। अभी किलोमीटर हो चुके हैं 95.5 और अभी मैंने रिफिल किया था, वॉल्यूम देख सकते हो 2.74 लीटर जो है वो अभी पेट्रोल बैठा है इसके अंदर। तो अभी अपन कैलकुलेट करते हैं कि अपने को एवरेज कितना मिल रहा है बाइक का। तो अभी टाइम हो रहा है 12:46, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर हुआ है अभी 95.5 किलोमीटर हुआ है डिवाइडेड बाय पेट्रोल। अभी टैंक फुल करने के बाद 2.74 लीटर बैठा है, तो डिवाइडेड बाय 2.74, तो गाइस आप देख सकते हैं 34.8 का एवरेज मिल रहा है। 34.8 ये एवरेज जो है, ये हमने राइड सिटी में भी राइड किया, काफ़ी हिली टेरेन भी थे, घाट सेक्शन था थोड़ा सा बीच में, और हाईवे ये सब मिला के इतना एवरेज मिल रहा है। तो अगर आप हाईवे पे पकड़ोगे, सिर्फ ओनली हाईवे का एवरेज देखोगे तो लगभग 36 तक आराम से मिलेगा आपको। तो आपने आपके सामने सब पूरा हमने जेन्युइन टेस्ट किया, हमको एवरेज मिल रहा है 21 मॉडल BS6 हिमालयन का एवरेज अभी मिल रहा है 34.8 KMPL, जो कि काफ़ी अच्छा एक एवरेज है, अनएक्सपेक्टेड एवरेज है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कंपनी क्लेम करती थी कि 35 तक, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि 35 तक मिलेगा, बट मिल रहा है गाइस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था हमारा आज का माइलेज टेस्ट का वीडियो इस बाइक के बारे में, 2021 हिमालयन के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और भी कंटेंट आने वाले हैं। ब्रेक इन पीरियड का आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं, अभी यहाँ से निकलूँगा मैं, घर पर जाऊँगा और फिर ख़त्म राइड। तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, तो चलो बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड, दिस इज टूरिंग गॉड साइनिंग ऑफ।